तो जी आज बने पैनकेक ब्रेकफास्ट में, और सबसे पहले जो है वो मुझ पे ट्राई किया जा रहा है। ये देखो, अब मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ ये कैसे बने हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको भी कैसे कैसे बनाए हैं। रिब्बू और रेचल बना रही हैं दोनों, खा के दिखाती हूँ भी कैसे बना है कैसे नहीं बना है। ना कसम से भाई, गौन बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी बना जी, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी है कसम से। तो मैंने पापा के भर दिया सारा ला। और ये देखो जी, इस पे डाला जा रहा है हनी ऊपर से, और हनी भी हमारे पास ऑर्गेनिक हनी है, गांव का हनी। ये देखो बहुत टेस्टी बने, बहुत टेस्टी। पैनकेक का जो बैटर है ना, ये रेचल ने बनाया है आटे में, उसने ना अखरोट चॉकलेट वगैरह वो पूरा कुछ ना मेल्ट करके पीस के ना पाउडर बना के इस तरह आटे में होकर के और उसने ना रखा हुआ था। राम राम, जय माता दी, और अंदर से भी राम राम, और रेचल की राम राम भी सुन लो। तो आ जाओगी हमारे साथ ट्रेजडी, ट्रेजडी समझो इसको। मैं 2-3 दिन से, बहुत जल्दी गैस खत्म हो गई है, आई थिंक गैस चली है मेरे ख्याल 20-22 दिन चली है, पता नहीं, ठंड भी है, ठंड की वजह से भी हो गई है। तो चलो शुक्र है इंडक्शन था, सिलेंडर वैसे तो 3 है लेकिन एक लड़की के पास होता है, और एक मेरा खाली था और एक मैंने लगाया हुआ था, तो वो हो गया खाली। तो वैसे भी खैर मेरे ना गले में दर्द हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो खास करते हैं, कुछ खास तो क्या है, खैर बनता ही रहता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, आज बना रही हूँ मैं गुड़ वाले, गुड़ और गाजर वाले मीठे चावल। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। गाजर ने मैंने इस तरह से इस पे क्रश की है, वैसे मैं उसमें भी कर सकती थी, आपका मिक्सी में भी ना उसमें क्रश हो जाती है, लेकिन पता इसमें पता नहीं बीच में ना मोटा मोटा था, मैं कहा पता नहीं ये टेस्टी लगे ना लगे, वो निकालने के लिए फिर मेरे को ना इसमें करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, पर चलो कोई बात नहीं। ये जितने चावल है ना, ये ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस ही खाते हैं हम लोग, ब्राउन राइस मैंने धो के रख ली है ये, और ये है गाजर, जितने मतलब ब्राउन राइस लिए ना उतनी गाजर है। गाजर मैंने इस तरह से क्रश करके रख ली है, बड़े वाले में क्रश की है, और ये आपका ड्राई फ्रूट्स है जो भी मतलब वो डालने हैं, और मैं डालूंगी इसके अंदर लौंग डालूंगी, ये काली मिर्च डालूंगी, और मोटी इलायची भी डालूंगी, मोटी इलायची डालूंगी, सौंफ डालूंगी, ठीक है। और जी बाकी क्या है, गुड़ जो है वो देखो, ये गुड़ वाला पानी इस तरह बॉयल करके गुड़ वाला पानी रख लिया पहले, और फिर जब बनते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो इंडक्शन यूज़ हो रहा है, और जी फुल पे किया हुआ है मैंने, इसलिए इसको कम किया जाए। और इसमें डालूंगी मैं प्योर घी नहीं डालूंगी, पता क्या आजकल जमता है, तो मैं उसकी जगह पर डालूंगी ऑलिव ऑयल, और बेस्ट वैसे सर्दियों में मैं ये यूज़ करती हूँ। ये देखो आप थोड़ा खुला डाल दूंगी ऑलिव ऑयल ना, ये तो कौन सा खराब करता है, ठीक है, क्योंकि वो फिर ना मतलब अच्छा अच्छा वो आता है, उसका टेस्ट आता है। बस मैं इसमें सौंफ डाल दी, ये डलगी सौंफ, और अब डालूंगी मैं इसमें ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें क्या है, बादाम है और गरी है, कद्दूकस की सौंगी है, काजू कुजू नहीं मैंने डालेगा, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है फिर, इतना नहीं खाना, और बस ड्राई फ्रूट्स इतने से, ज़्यादा नहीं, ठीक है, आधी प्लेट खाली। और जैसे ही सौंप होती है ये डाल दिए मैंने ड्राई फ्रूट्स, और बस जरा जरा चलाऊंगी इनको जब तक गरीब होती है। आज इंडक्शन पे बन रहा है, और इंडक्शन पे बाकी तो लगता नहीं, खाली स्टील वाले बर्तन लगेंगे, कुकर वुकर नहीं लगते, मतलब वो नहीं लगते जैसे एलुमिनियम या वो कोई भी। तो चलो पता कर लेती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ये हो गया ना, अब डाल दिए मैंने गाजर, अब बस गाजर डाल के गाजर सौते करूँगी थोड़ी देर, और फिर डाल दूंगी चावल, और फिर रख दूंगी इसको, पहले जब एक गड़काएगा उसके बाद सिम पे। अब डाल रही हूँ गुड़ वाला पानी जो बॉयल करके रखा हो, तो मैंने गुड़ करके वो छान के करना पड़ता है, क्योंकि कई बार ना इसमें जो गुड़ है ना, गुड़ में कोई
पार्टिकल्स होते हैं वो ना हो, लेकिन मैं छान के डालती हूँ। तो डाल दिया पानी और अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो इतना का पानी। ब्राउन राइस से ना, ब्राउन राइस का जो मीठे चावल है ना, चाहे ब्राउन राइस हो चाहे कोई भी चावल है, वो पानी ना ज्यादा लेते हैं। ये पानी कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें और खुले पानी में पकेंगे। ये देखो एक उबाला आ गया ना, एक गड़का आ गया, और अब मैं इसको ना मतलब उसको कम कर दूंगी, मैं दो पे रखूंगी इसको। और ये देखो बस ऐसे रख दिया और बस चावल बन जाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। खिलार सिंह देखो, खिलार सिंह खिलारा देखो खिलारा। बस मैं साफ कर लेती हूँ। और ये देखो मैंने ना सब्जियां मैं ऐसे ले लेती हूँ कटी। अब मेरा ना दिन में मैंने ना वो बनाया आपका घी के लिए ना, ये देखो मलाई कट्टी कट्टी की हुई थी और घी बनाना चाह रही थी। जैसे ही मैंने घी ऊपर रखा वैसे ही गैस खत्म। और अगर मैं इस पे रख रही हूँ, स्टील वाले बर्तन लग रहे हैं या इंडक्शन वाले लग रहे हैं, इंडक्शन वाले मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने तो ये तो अंशुल का था इंडक्शन ना, अंशुल जब पुणे था ना, तो अंशुल ने लॉकडाउन के टाइम में ना पुणे लिया, उसने ये इंडक्शन मंगवाया। मैं तो वहां से खाता था, लेकिन जब आपको पता ही है भी उस टाइम जब आपका कोविड के टाइम जब वो लगा था, लॉकडाउन लगा था, तो बाहर का सब कुछ बंद था, तो अंशुल ने ऑनलाइन इंडक्शन मंगवाया था। तो यूज कर रही हूँ वैसे इंडक्शन में, वो स्टील ग्लू और बर्तन अंशुल यूज कर लेता था, तो मैंने इस पे डाला ना तो वो जल रहा था, इसलिए मैंने ना उसको छोड़ दिया। मैं कल सुबह जब गैस आएगी तो बनाऊंगी, और आगे से कभी नहीं करूंगी सिलेंडर ना, पहले भरवा के रख लिया करूंगी। हो गए रेडी मीठे चावल, एक गड़काने के बाद सिम कर दिए थे और प्रिपेयर। इस तरह से हो गए रेडी चावल। बहुत टेस्टी बने हैं, सच्ची बने कि नहीं बने? रिबू की जुबानी, हाँ टेस्टी है ना, मेरे को तो बहुत स्वाद लगे, बहुत स्वाद बने हैं। गुड़ वाले, गुड़ गाजर वाले मीठे चावल। तो जी जैसा कि आपने देखा, मैं ना कल भी नहीं ब्लॉग डाल पाई, कल भी नहीं शूट कर पाई, ये ना परसों रात का, ये परसों रात को वो किया था, परसों रात को बनाए थे, तो मैं मतलब शूट नहीं कर पाई कल। कल मुझे ना कोल्ड था, बहुत बुरी तरह से फीवर हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे मैं कई बार बोलती हूँ मुझे किसी की नज़र लग गई है, और मेरे को देखना जरा अंदर ना, अंदर भी स्वेटर में दिखाती हूँ आपको, देखो अंदर भी स्वेटर, ऊपर से मैं पूरा वैसे ही बोटी हो रही हूँ आजकल, पूरा पांडू बनी पड़ी हूँ। मैंने इस तरह से ना पूरा वो करके रखा हुआ है, और ये देखो मेरे बैक साइड में हीटर चल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही, बहुत ठंड लग रही है। और नीचे देखो मैं ना, ये है रजाई है, ये कंबल है, रजाई कंबल के बीच में ना मुझे ना कोल्ड हो रहा बहुत बुरी तरह से। मेरे को ना हिमाचल जाना था आज, लेकिन पिछले कल भी जो पहले तो पिछले कल का प्रोग्राम था, कल तो मेरे बुखार बुरे हाल थे, बहुत ज्यादा हो गया था। आज फीवर तो नहीं है, रात को ना मैंने कभी भी, मैं जितनी मर्जी प्रॉब्लम है मैं नहीं खाती, पर मेरे को जाने के पीछे ना मैंने रात को डी कोल्ड खाई है। मैं वैसे घरेलू इलाज करते थे, फिर मम्मी का दोपहर में वो भी किया, मम्मी वाला इलाज भी किया जो मम्मी ने बताया है, बेसन का सिरा वो भी बनाया मैंने, पर उससे मतलब ये थे थोड़ा सा सिर हल्का हुआ था, लेकिन रात को वही फीवर बुरे हाल हो गए थे। देखो काम भी अब बोलते ना, काम ना करो वो ना करो, पर पता क्या करना पड़ता है, मुझसे नहीं रहा जाता, फिर वो भी हो जाता थोड़ा थोड़ा। भगवान जाने, मुझे पता नहीं रब जाने कैसी ठंड लगी है, मतलब मेरे बर्थडे के वाले दिन से जो मैं बीमार हुई हूँ ना, वो मेरा कोल्ड ना जाने का नाम नहीं ले रहा है। बल्कि बच्चे हंस रहे थे कल, बोल रहे थे कहते आपको वो भी आ रहा है कोविड का वेरिएंट भी आके, वो तो नहीं होगी, मैं क्या करा लेना। पता मैं तो हैरान हूँ इस बारी, पता क्या हुआ, कई दिन से ना मतलब तीन के दिन से तो वैसे मेरे ना गले में ना ऐसे तालू में ऊपर ना वो लग रहा था, जैसे वो भी वो करो ना कोई चीज वो करो तो ऊपर ना तालू में दर्द हो रही थी। तो और मेरे तीन चार दिन हो गए, तीन चार दिन से ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कोई, मुझे तब तो कुछ भी नहीं था, चार पांच दिन पहले तो, चार पांच दिन से हो रहा है खांसी खांसी, इतनी खांसी ना मैं मतलब खुश्की हो रही है बहुत ज्यादा, बलगम बलगम कुछ नहीं खुश्की हो रही है। भाई किसी को कोई इलाज है ना इस खांसी का तो बताना। आज मुझे बस सही लग रहा है, डी कोल्ड खाने के बाद आई तो है, दो चार बार आई है दिन में, पर जब आती है ना, और आज छींके भी नहीं आई है, छींके भी एक दो बार आई है, पर जब छींके आती ना तो ऐसा था मेरा सिर ना खाली हो गया है, मतलब इतनी छींके छिक 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 छिक, भाई कौन याद कर रहा मुझे, इतना मत करो याद यार, मतलब कई बार तो लगता था रब तो नहीं याद कर रहा है, बहुत जीली आ जा। मैं कई बार ना कसम से करी बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर मैं सबको बोलती हूँ नहीं नहीं परेशान होने से कौन सा परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना, इसलिए परेशान मत हो खुद को भी बोल रही हूँ। तो चलो कल
ठीक रहनी चाहिए रब की दया से। तो कल मॉर्निंग में मैं फिर से हिमाचल जा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी कौन सा ओकेजन है, क्या है, क्यों जा रही हूँ मैं, और हिमाचल की ना फिर से मैं आपको यात्रा दिखाऊंगी एक बार से। जो नेचर प्रेमी है ना उनको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो देखती हूँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, मुझे भी नहीं पता अभी तो। तो चलो ब्लॉग लगभग मतलब एडिट कर चुकी हूँ, अब डालूंगी आज, देख लिया करो। बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे लग रहा है मेरे इतने बुरे हाल है ना। मेरा पता क्या हो रहा था, कई बार मैंने 2-3 बार फोन छोड़ दिया, मैं फिर वो लगी करने, फिर मैं बैठ गई फिर मतलब माइंड ऐसा हो जाता ना, नहीं लेटना नहीं है भाई, लेटना नहीं है। मैं कहा मैं एडिट करके आज डालना ही ब्लॉग, जो मर्जी हो जाए। मैं तो आप लोगों को मिस करती हूँ, आप पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो। हाँ मुझे 1-2 के मैसेज आए, थैंक यू आपने ब्लॉग क्यों डाला, इसका मतलब आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हो, दिल से धन्यवाद आपका। तो चलो गुड इवनिंग सबको, इवनिंग का टाइम हो गया, इस टाइम 4:15 बज गए हैं। तो देखना ब्लॉग जरूर सारे, तो राम राम। और कल से जो है वो मेरे पास, फिर मैं हिमाचल चली जाऊंगी कल, सुबह तो नहीं डाल पाऊंगी, शाम को डालूंगी कल, क्योंकि जो भी सुबह का शूट करूंगी ना, जितना भी शूट करूंगी कल, मैं आपको शाम को डाल दूंगी जो रेगुलर डरता रहे। फिर कौन सा ओकेजन है, कहाँ जा रही हूँ, क्या है, वो आपको आगे आगे देखने को मिल जाएगा। कुछ दिन रहूंगी या आ जाऊंगी वो टाइम पे डिपेंड करता है और मेरी हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो बाय बाय सबको, गुड इवनिंग, जय माता दी। और पांडू के हाल देखो, बर्फ ने ऐसा लगता है ना जैसे बर्फ नहीं पड़ गई है मुझे बहुत ठंड लग रही है।